हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में हमारे पास है कॉमन फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर हमारे पास होता है कोई भी हमें डिजिट दिया हुआ है, अगर हमें उस डिजिट के फैक्टर फाइंड करने हैं तो हम क्या करते हैं। डिजिट के फैक्टर निकालने का मीनिंग ये है, जैसे हमारे पास कोई भी डिजिट दे रखा है, हमारे पास डिजिट दे दिया 10। अगर हमें इसके फैक्टर निकालने हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे फैक्टर। फैक्टर निकालने का मीनिंग ये है कि 10 से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनसे 10 डिवाइड होते हैं। अब किस किस से डिवाइड होता है 10? 1, 2, 5, 10। अब ये हमारे पास क्या है 10 के फैक्टर। दूसरा हमारे पास क्या है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है हमारे पास कि किन किन नंबर्स को हम इस डिजिट से डिवाइड कर सकते हैं। इसके फैक्टर में होता है कि किन किन नंबर से डिवाइड होता है, और मल्टीपल्स में क्या आएगा कि किन किन नंबर से हम इस डिजिट्स को किन किन नंबर्स को हम इस डिजिट से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर 20 एंड 28। 20 और 28 के फैक्टर फाइंड करने हैं। फैक्टर ऑफ 20 निकालेंगे, 1 की टेबल में भी आता है 20, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में आता है, 5, 10 एंड 20। फिर फैक्टर ऑफ 28 निकाल लेंगे, 28 के फैक्टर क्या क्या आएंगे, 1, 2, 4 के टेबल में भी आता है, 4 7 जा 28, 7 4 जा 28 एंड 14 2 जा 28 और 28 1 जा 28। अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है? इन दोनों में से ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो दोनों में कॉमन है। अब हमारे पास देखो 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है और 4 भी दोनों में कॉमन है। अब और कोई भी हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए हमारे कॉमन फैक्टर क्या है 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट है 15 एंड 25। फैक्टर ऑफ 15 के फैक्टर हमारे पास क्या क्या है, 15 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 3 5 जा 15, 5 की टेबल में भी आता है, 5 3 जा 15 एंड 15 1 जा 15। फैक्टर्स ऑफ 25 के फैक्टर फाइंड करने हैं। 25 के फैक्टर क्या हैं, 1 और 5 की टेबल में आता है, 5 5 जा 25 एंड 25। दोनों का कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है 1 एंड 5। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया 1 एंड 5। नेक्स्ट है हमारे पास 35 एंड 50। 35 के फैक्टर फाइंड करेंगे पहले। 35 के फैक्टर हमारे पास क्या क्या है, 1 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में आता है, 5 7 जा 35 और 7 के टेबल में आता है, 7 5 जा 35 एंड 35 के टेबल में आता है। फैक्टर्स ऑफ 50 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, 1 2 की टेबल में आता है 50, 5 की टेबल में भी आता है, 10 25 एंड 50। कॉमन फैक्टर क्या आया, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1 एंड 5। इसके अलावा कोई भी हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए कॉमन फैक्टर क्या है 1 एंड 5। इसी तरह से 56 एंड 120 का फाइंड करेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। अभी हमें 2 डिजिट्स दिए हुए थे, 2 डिजिट्स का कॉमन फैक्टर फाइंड कर रहे थे, अब हम 3 डिजिट्स का कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। डिजिट है हमारे पास 4, 8 एंड 12। 4 फैक्टर ऑफ 4 क्या है हमारे पास, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है एंड 4 की टेबल में आता है। फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर है हमारे पास 1, 2 की टेबल में भी आता है, 8 एंड 4 की टेबल में और 8 की टेबल में। फैक्टर्स ऑफ 12 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की, 3 की, 4, 6 एंड 12। कॉमन फैक्टर क्या आया, सभी में कॉमन क्या है 1, 2 भी सभी में कॉमन है एंड सभी में और क्या है कॉमन 4। हमारे पास ये 3 कॉमन फैक्टर है 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट है हमारे पास 5, 15 एंड 25। फैक्टर्स ऑफ फाइव क्या आएगा, 1 की टेबल में आता है, 5 एंड 5 की टेबल में आता है, तो फैक्टर्स ऑफ 5 हमारे पास क्या आएगा 1 एंड 5। फैक्टर्स ऑफ 15 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में, 5 की एंड 15 की टेबल में। फैक्टर्स ऑफ 25 1 5 एंड 25। कॉमन फैक्टर क्या आया, सभी में कॉमन क्या है 1 कॉमन है और सभी में कॉमन क्या है
फाइव. तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया, वन एंड ए फाइव. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री. फाइंड द फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स ऑफ. हमें कोई भी दो हमारे पास डिजिट दिए हुए हैं, उन दोनों डिजिट्स के कॉमन मल्टीपल निकालने हैं. मल्टीपल क्या होता है, जैसे सिक्स के टेबल में जो भी डिजिट्स हैं, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स ट्वेल्व एटीन, ये सभी हमारे पास क्या हैं, उसके मल्टीपल्स हैं. जो भी हमारे पास जैसे फोर है, फोर के टेबल में हमारे पास जो जो डिजिट आते हैं, फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी, ये सभी क्या हैं, फोर के मल्टीपल. इसी तरह जो उसके टेबल में आते हैं वो नंबर क्या होते हैं हमारे पास, उनके मल्टीपल्स. सिक्स एंड एट मल्टीपल्स ऑफ सिक्स. सिक्स के मल्टीपल क्या होंगे, सिक्स सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी थर्टी सिक्स. इसी तरह से एज इट इज़ लिख लेंगे, हम कहीं तक भी जा सकते हैं, हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं है. नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ एट. एट के मल्टीपल क्या है, एट, एट टू जा सिक्सटीन, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, थर्टी टू फोर्टी, एट ऐड कर करके लिखते रहेंगे इसी तरह से एटी तक. कॉमन मल्टीपल्स ऑफ सिक्स एंड एट. सिक्स और एट के कॉमन मल्टीपल निकालने, और कितने निकालने थे हमें, थ्री कॉमन मल्टीपल्स. हमें ये तब तक लिखने हैं बेटा जब तक कम से कम तीन कॉमन मल्टीपल नहीं आ जाएंगे हमारे पास. अब देखो ट्वेंटी फोर, हमारे पास दोनों में ट्वेंटी फोर है, दोनों में कॉमन है फोर्टी एट. अब दोनों में कॉमन 48 है, उसके बाद दोनों में कॉमन क्या है 72. नेक्स्ट है हमारे पास 12 एंड 18. मल्टीपल्स ऑफ 12 लिखेंगे, 12 24 36 48 60 72 84. इसी तरह से जैसे टेबल लिखते हैं ऐसे लिख देंगे हम. मल्टीपल्स ऑफ 18, 18 के मल्टीपल 18 36 54 72 अप टू सोन. कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18. 12 और 18 के कॉमन मल्टीपल क्या हैं, देखो 18 नहीं है, 36 है. अब इधर भी 36 है, इधर भी 36 है, दोनों में क्या आएगा, कॉमन मल्टीपल आ गया. 54 नहीं है उसमें, 72 72 है, 72 72, ये भी हमारे पास क्या होगा, कॉमन मल्टीपल. उसके बाद 90 है लेकिन 12 के टेबल में नहीं है. 108 अब ये है 12 के टेबल में, इसीलिए दोनों में क्या आ गया, 108 कॉमन मल्टीपल. नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन. Write all the numbers less than 100, which are common multiples of 3 and 4. हमें ये बताना है all the number less than 100, 100 से नीचे 3 और 4 के जो भी common multiples हैं वो find करने हमें. Multiples of 3, 3 के multiples लिखेंगे हम, 3, 6, 9, 12, 15, 18, up to, सभी digits के अंदर 3 add करते लिखते चलेंगे हम. लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 90, 93, 96, 99, 3 ऐड कर करके हम 99 तक लिख लिए. उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 4, अब हम सब डिजिट्स में क्या ऐड करते चलेंगे, 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, अप टू 88, 92, 96, 100. फिर हमें क्या फाइंड करना है, दोनों के कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन मल्टीपल देखो 4 हमारे पास नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 इधर भी है इधर भी है, तो दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन मल्टीपल. उसके बाद 16 नहीं है, 20 नहीं है, उसके बाद क्या आएगा, 24. दोनों में हमारे पास कॉमन मल्टीपल है, 28 नहीं है, 32 36 आ जाएगा. इसी तरह हमने फाइंड कर लिया 12 24 36 48 60 72 84 एंड 96. 1 से लेके 100 तक हमारे 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स ये आएंगे आपके पास. ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें. थैंक यू.